ले आओ मतलब मिल गए सवेर तुम ऐसे देख रही हो। अरे कस के तालियां बजाओ के किसे सुदामा मिले खड़े है साथ कन्हैया को बैठा लो कुर्सी पर, एक साइड रुकमणी को बैठा और एक साइड तुम कुर्सी पर नहीं बैठोगे कन्हैया सुदामा के पैरों के पास कुर्सी बैठो भैया मेरे माते वहां सेट करो थोड़ी बैठा लो। मैं यहाँ कथा बढ़ाऊंगी वो काम करते जाना बैठ जाओ। मेरे श्रोतागण बंधुओं जैसे ही सदा माँ का नाम कन्हैया ने सुना तो ऐसे भागे कि आज तक किसी ने अब सुदामा यहाँ बैठ गए। अब आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है बार बार कहना है आप बैठ जाओ जो बैठ करके आनंद आएगा वो खड़े होने में आएगा ही नहीं तुम्हारे चले जाएंगे दूसरे के पैरों से अच्छा नहीं लगता है बैठ जाओ। और आज अब श्रीमद भागवत का अंतिम दिवस है कबू नमाज मान जाओ लेकिन एक बात बार बार फिर कहेंगे फिर भी आप लोगों में बहुत सभ्यता है जब थोड़ी चबन्नी ठंडी गड़बड़ कर देते हाँ सब लोगों में विशेष सभ्यता है बहुत अच्छे से कथा को श्रवण करते हो। पीछे तक से हमारे भाइयों से निवेदन है कि जो यहाँ बैठा है आप वहीं बैठे रहो व्यवस्था को भंग ना किसी ने कभी ये कल्पना नहीं कर पाई। रुकमणी किधर है तो इधर बैठो रुकमणी को उधर बैठा लो हाँ जी जल बीच में रखो। सुदामा ने जब ऊंचे से सिंहासन पर सुदामा को कन्हैया ने बिठा दिया और सुदामा से बोले ए भैया तुम इतने कष्टों का सामना करते रहे रुकमणी और कन्हैया दोनों पति पत्नी सुदामा के पैरों में चप्पल जूता नहीं थे गरीबी इतनी थी कांटों को निकालने लगे कांटों को निकालने लगे और कहने लगे भैया तुमने इतने कष्टों का सहन करके और वो कढ़ा निधि द्वारकापुरी के द्वारकाधीश राजा और कैसे रो रहे हैं अरे देखी सुदामा की जल मंगाया उसके तो हाथ भी नहीं लगाया इतना रोए I'm